लखनऊ के तकवा प्राइमरी स्कूल में ये मासूम बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। स्कूल के पास भले ही सुविधा पूरी ना हो, लेकिन इन सब ने कभी हार नहीं मानी। तस्वीरों में नजर आ रहे ये मासूम सुबह स्कूल का ताला भी खोलते हैं और दोपहर में ताला बंद भी करते हैं। शिक्षा का ख्याल आते ही जहन में तरह तरह की बातें आती हैं, शिक्षक, बच्चे, किताबें, यूनिफॉर्म। कहा जाता है कि शिक्षा अगर अच्छी दी जाए तो बच्चों का भविष्य भी अच्छा ही बनता है। इस कड़ी में आज हम रियलिटी टेस्ट करने निकले हैं राजधानी लखनऊ के तकवा गांव में। यहां एक प्राथमिक विद्यालय है जहां पर 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा दी जाती है, लेकिन टीचर एक ही है। आप उसी को प्रधान अध्यापक भी कह सकते हैं, अध्यापक भी कह सकते हैं। स्कूल को चलाने वाले हैं सरबजीत लाल सेन, जो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि क्लास 1 से 5 तक चलने वाले इस स्कूल में प्रिंसिपल ही टीचर हैं। यहाँ तक कि बिजली का बिल और सफाई के लिए सरबजीत लाल सेन अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। कभी कभी कुछ स्कूल से ट्रेनीज आ जाते हैं जिससे उन्हें आसानी हो जाती है। चलिए स्कूल के प्रिंसिपल सरबजीत से ही जानते हैं कि कैसे वो अकेले हर क्लास को मैनेज करते हैं। असेंबली हो गई हमारी, प्रेयर के बाद बच्चों को क्लास वाइज काम देना, पांचों क्लास को। इसके बाद क्लास में फिर सेकंड मीटिंग में काम देखना इनका, ये करता हूँ। अच्छा, यहाँ मिड डे मील वगैरह भी चलता है? मिड डे मील चलता है। कैसे मैनेज करते हैं? बच्चों को मैनेज करने का खाना, जैसे लंच कराते हैं तो बच्चों को लाइन से लगवा करके हाथ पहले धुलवाते हैं, हाथ और बर्तन धुलवा करके फिर लाइन से बैठा के खाना पैसे परसता हूँ मैं खुद। इसके बाद खिलवाता हूँ, खिलाने के बाद फिर जूठा अपना उठा लें, फिर साफ कर लें, सफाई पर विशेष ध्यान करता हूँ। बच्चे हमारे पास करीब लगभग आज होगा 60 होगा बच्चे, एनरोलमेंट 150 हैं। सरबजीत से बात करने के बाद हम पहुँचे इन बच्चों के पास, तो सुनिए इन नौनिहालों की ही जुबानी स्कूल की कहानी। बेटा आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं? आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? क्या नाम है बेटा आपको? अमित। अमित किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैम 5। आपके स्कूल का नाम क्या है? हम प्राथमिक विद्यालय। सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाते हैं? यस मैम। स्कूल में और कोई टीचर नहीं है? नो मैम। गौरव किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। 5 में। आपके कॉलेज स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय तकवा। अच्छा, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? सरबजीत लाल सेन। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? सरबजीत लाल सेन। हालात ये है कि स्कूल का ताला भी ये बच्चे ही खोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं है। तो देखा आपने, ये है तकवा का प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन मैनेज करने के लिए सिर्फ एक अदद प्रधान अध्यापक है। चाहे सफाई की बात हो, चाहे बिजली कनेक्शन की बात हो, सब कुछ एक अकेला प्रधान अध्यापक करता है। सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों की मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को ऐसे स्कूलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या सिर्फ प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय बन जाना और वहाँ पर नियुक्ति हो जाना ही बड़ी बात है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? काविश अजीज लेनिन, अमरजाला.com।